अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटर क्लास का टॉपिक नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 17 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन? नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? नेटवर्क है नर्व सेल्स का जो इंफॉर्मेशन ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन ट्रांसफ़र करता है। न्यूरॉन्स इसमें ट्रैवल करते हैं। इंफॉर्मेशन को ले जाने वाला जो यूनिट है वो होता है न्यूरॉन्स। आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं डिटेल में, बस हम नर्वस कोऑर्डिनेशन देखते हैं क्या के। ऑल एनिमल एक्सेप्ट स्पंजीज, तमाम एनिमल्स सिवाय स्पंजीज के यूज़ आ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। तमाम एनिमल सिवाय स्पंजीज के नेटवर्क यूज़ करते हैं, नर्व सेल्स का नेटवर्क यूज़ करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी कंडीशन एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ताकि वो इंटरनल यानी कि बॉडी की कंडीशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें टू प्रोसेस इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन, ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट की एंड द सेंड कमांड। और फिर वो सेंड करते हैं किसको? इन्फॉर्मेशन ब्रेन को। फिर ब्रेन कमांड करता है टू द बॉडी मसल्स एंड ग्रेन। फिर ब्रेन जो है वो कमांड देता है किसको? बॉडी मसल्स को और ग्लैंड्स को, कि किस तरीके से उस पर अब काम किया जा सके या कौन सा मैसेज है, कहाँ पर उसने क्या परफॉर्मेंस करनी है। तो वो कौन कमांड करेगा उसको? ब्रेन कमांड करेगा बॉडी और मसल्स को, बॉडी मसल्स को और ग्लैंड्स को। स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, कौन कौन से तरीके हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। द सिस्टम ऑफ द बॉडी डैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भी कहते हैं, इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। क्या है? बॉडी से आने वाली तमाम इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है वो मुहैया होता है, कौन से सिग्नल की वजह से? इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से। तो वो क्या कहलाती है? हमारी नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स कौन से हैं? नर्व इम्पल्सिस को हम कहते हैं। नर्व इम्पल्सिस वेव्स हैं जो न्यूरॉन से मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। आगे टॉपिक में जो है वो नर्व इम्पल्सिस को डिस्कस करेंगे, मज़ीद आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइज हाईली स्पेशलाइज सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो सेल रखती हैं अपने पास हाईली कंप्राइज, वो कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स, जिसकी मदद से बॉडी में मैसेज ट्रैवल करते हैं, बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी मैसेज ट्रैवल करते हैं। एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम ईच न्यूरॉन मस्ट परफॉर्म 5 फंक्शन। फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये है। फर्स्ट नंबर वन की बात कर रहे हैं, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और दूसरे न्यूरॉन से। नंबर टू है, इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इट रिसीव एंड प्रोड्यूस एंड अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल्स। ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसके बाद जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल्स तैयार करते हैं। थर्ड पे पॉइंट आपका है, कंडक्ट द सिग्नल टू इट्स टर्मिनल एंडिंग। जब इन्हें सिग्नल्स मिल जाते हैं तो ये सिग्नल्स कहाँ तक जाते हैं? उसकी टर्मिनल एंडिंग तक, विच मे बी सम डिस्टेंस अवे, और वो फिर कुछ डिस्टेंस पर ही वाक़ होता है। कौन से सिग्नल्स, कैसे हैं सिग्नल्स? यानी कि न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पूरा मैसेज ट्रैवल करेगा, तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एंडिंग से टर्मिनल एंडिंग तक वो ट्रैवल करते हैं। ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू अदर नर्व सेल्स, वो फिर सिग्नल्स क्या होंगे? नर्व सेल्स के अंदर ट्रांसमिट करेगा, अदर नर्व सेल्स के अंदर ट्रांसमिट करेगा ग्लैंड और मसल्स। कहाँ पर जाएंगे? ग्लैंड्स में और मसल्स में, ताकि ये भी क्या कर सकें? अपना काम कर सकें। कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के में बेहतरीन परफॉर्म इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। डेट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, और सेल की इंटीग्रिटी को बरकरार रख सकें। ये इसके 5 पॉइंट्स हैं सिस्टम के, कौन से? नर्वस कोऑर्डिनेशन के। और जो कौन करवा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है। कितने टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन्स है क्या, न्यूरॉन किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन बस इतना आपने याद रखना है इस वक्त,
वीडियो में कि आपको न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन है बॉडी के साथ, जो मैसेज इंटरनल और एक्सटर्नल मैसेज ट्रैवल करते हैं बॉडी में, वो किसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं? वो न्यूरॉन्स की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी न्यूरॉन्स की डायग्राम को देखते हैं, तो ये आपका एक पूरा न्यूरॉन्स है। फर्स्ट वन बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कौन? आपका न्यूरॉन्स में उसका फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स के बाद होता है इसका सेल बॉडी, या हम इसको कहते हैं सोमा। मैसेज आया डेंड्राइट से, रिसीव किया सेल बॉडी को, जो है वो ट्रांसफर किया, देन फिर ये सेल बॉडी कंप्लीट इसका मैसेज आपके जो है वो कहाँ लेके जाती है? एक्सोन तक। ये इसका कंप्लीट न्यूरॉन्स है। तीन टाइप्स के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। ये वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन इसमें जो फंक्शंस हैं, ये मैसेज को रिसीव करती हैं, उसके बाद जो है वो एक टर्मिनल से टर्मिनल एंडिंग तक मैसेज जो पहुंचाने का काम हो रहा है, वो भी किसका है? न्यूरॉन्स का ही है। सिग्नल्स को जो है वो टर्मिनल एंडिंग तक पहुंचा के, और कुछ डिस्टेंस पे ही वाक्य होते हैं, एक के बाद एक न्यूरॉन्स जो है मौजूद है, ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी को सिग्नल्स को नर्व सेल्स की वजह से दूसरे नर्व सेल्स के अंदर, ताकि ग्लैंड्स और मसल्स अपना काम कर सकें। उसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ। फिर मेंटेन रखते हैं इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स। आज के टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।